हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन को ऑन या ऑफ कैसे करें। फ्रेंड्स, अभी देख लीजिए मेरे इस ओप्पो के मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन जो है वो ऑफ है। देख लीजिए, अभी मैं अपने मोबाइल को लॉक किया तो यहाँ पर कोई भी टोन नहीं बजा, और अगर जो मैं अपने मोबाइल को अनलॉक करता हूँ तो भी कोई टोन नहीं बजता, क्योंकि अभी मेरे इस ओप्पो के मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन जो है वो ऑफ है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि ओप्पो मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन को ऑन या ऑफ कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ओप्पो के मोबाइल में आपको सेटिंग खोज करके आपको सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे मैं सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग ओपन कर लिया, और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आपको यहां साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। और उसके बाद इस तरह से आएगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन टोन, और इसके सामने में आपको यहां पर एक बटन मिल जाता है, तो आप इस बटन पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे उसके बाद आपके ओप्पो मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन ऑन हो जाएगा। जैसे अब मेरे इस ओप्पो के मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन ऑन हो गया, अब मैं अपने मोबाइल को लॉक करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं आपको साउंड सुनाई दिया होगा, या मैं अपने मोबाइल को अनलॉक करता हूं तो भी साउंड सुनाई देगा। देख लीजिए, मैं अनलॉक कर रहा हूं तो देख सकते हैं जैसे मैं अनलॉक किया तो यहां पर साउंड दिया। तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर जो आपको ऑफ करना है तो आप यहां इस बटन पर क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ओप्पो मोबाइल में लॉक स्क्रीन टोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।